वाराणसी बड़ागांव ब्लॉक में मानव गौरव निर्माण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें HIV एड्स व TB जैसी बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। किस चीज का होता है बीमारियों का खतरा? जब किसी व्यक्ति को मैडम वायरस किसी भी आठ से दस साल तक हम उसी वायरस के साथ जीते रहेंगे। अगर हम लोग जाँच लेकर आएंगे वो जाँच करा होगी, अभी बताते हैं। अगर हम जाँच कराएंगे तो हम लोग पता चलेगा कि हम HIV से ग्रसित है। आज से जब तक हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी रहेगी, आप उसी तरह से काम करते रहेंगे। जैसे ही हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है वैसे हम बीमारियों को चपेट में आना चालू हो जाते हैं। TB हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, हमें डायरिया होने लगती है और बहुत सारी जितनी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है वो एक साथ लग जाता है और उसको अब एक साथ बीमारी हो जाएगी तो उसको ठीक करना असंभव है। तो इस वजह से उसको अब HIV का जांच कराना होता है। होता है लेकिन सेंटर का नाम क्या है? मैं STI काउंसलर हूँ, मैं कवि चौरा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। इसके लिए आप कितने लोगों का अभी तक हुआ है? अभी तक हम लोगों ने 50 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। अच्छा, और कितने लोग अभी तक हुए? हम लोगों तीन दिवसीय था, तीन दिवसीय हम लोगों ने सबको प्रशिक्षण दिया। अच्छा, बताइए। पहले दिन आशा थी, दूसरे दिन भी आशा और आज हमारे साथ NM और ग्राम प्रधान थे। और लोग कितने लोग अब तक किए? 50 लोगों का हम लोगों ने प्रतिभागी किया गया। अच्छा। और वो लोगों को जागरूक किया गया, STI किट के बारे में बताया गया, HIV के अवेयरनेस के बारे में बताया गया और उनको सही और उनके भेदभाव HIV से होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूक किया गया।